अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगा, बड़ी छोटी सी कहानी है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ये जो कहानी है हमें कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ, हमारी जिंदगी के साथ, हमारे आसपास के साथ मेल खाती है। हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को जब देखेंगे, इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं पाएंगे कि यार मैं भी इसी का एक करेक्टर हूँ। तो चलिए पहले कहानी शुरू करते हैं, फिर बाद में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो कहानी है ये एक राजा की कहानी है और उसी साम्राज्य में रहने वाले एक भिखारी की कहानी है। बड़ी छोटी सी कहानी है लेकिन बड़ी मजेदार कहानी है। सो क्या हुआ, उस राज्य में जो राजा था बहुत पावरफुल राजा था, उसका जो साम्राज्य था बहुत दूर तक फैला हुआ था। और जो राजा था उसे हमेशा जो चिंता थी वो यही लगी रहती थी, यार कहीं मेरा जो साम्राज्य है मेरे जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। उसे हमेशा डर लगा रहता था मेरा जो इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात है उसे कोई लुटेगा ना, लूट के ले जाए, कोई पड़ोस का जो राजा है वो कहीं आक्रमण करके कहीं वो मुझे मेरे जो राज्य है उसे हथियार ना ले। तो बेचारे की जिंदगी, सारी जिंदगी वो इसी तरह निकालता गया। जब से राजा बना तब से हमेशा यही चिंता रहती थी उसे कि मेरा सोना चांदी हीरे जवाहरात, मेरा राज्य कोई छीन ना ले। ऐसे करते 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 उसकी जिंदगी बेचारे की गुजर गई और वो बूढ़ा हो गया। दूसरी तरफ उसी राज्य में एक भिखारी था। उस भिखारी के पास कुछ नहीं था, वो सुबह जाता था, शाम को भीख मांगता था, खाता था, पीता था और आराम से सो जाता था। कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। इसी तरह बेचारे की जिंदगी बीतती गई। रोज सुबह उठता, रोज सुबह भीख मांगता, खाता, जो मिलता ठीक है, नहीं मिलता तो भी बेचारा भूखे पेट सो जाता। तो करते करते उसकी भी जिंदगी बीत गई, वो भी बूढ़ा हो गया। अब दोस्तों ये कहानी हमारे से रिलेटेड है। हम सारी जिंदगी भर कमाते रहते हैं, ये करो वो करो, ये भी कमाना है, ये भी लेना है वो भी लेना है, सारी जिंदगी भर इसी चिंता में हमारी बीतती रहती है। तो दोस्तों ये हमारी जो जिंदगी है, हम कहीं ना कहीं इस कहानी में जो उसके जो असली पात्र है ना वो हम लोग हैं। वो जो राजा वाली जिंदगी है वो हम लोग जीते हैं। हम लोग सारी जिंदगी भर जो हमारे पास है हमेशा चिंता लगी रहती है, मेरे आने मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिलीज का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। जिंदगी भर हम लोग इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। लेकिन जरूरत क्या है, जरूरत है हमें उस भिखारी की जिंदगी जीने की। अब भिखारी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास कुछ ना हो। जरूरत है दोस्तों आपके पास जो कुछ भी है आप उसे इंजॉय करना सीखो। तो दोस्तों हमें जरूरत है हमारे पास जो कुछ भी है उसे एंजॉय करने की। सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत कुछ पा लेना, उस राजा था, राजा के पास सब कुछ था लेकिन वो संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था, हमेशा परेशान रहता था। तो ऐसा चीजें ओन करने का क्या मतलब जो आप अपनी जिंदगी में एंजॉय भी ना कर पाओ। तो दोस्तों बहुत जरूरी है जो रिसोर्सेज आपके पास है, जो भी चीज आपके पास है उसको आप इस्तेमाल करना सीखो, सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखो। जिंदगी में खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजें पा लेना जरूरी इतना जरूरी नहीं है। एक आदमी सुबह काम पर निकलता है, शाम को रोटी कमाता है, शाम को खाता है और आराम से संतुष्ट होकर सोता है। दूसरी तरफ एक आदमी से बहुत कुछ है लेकिन उसे हमेशा लालसा लगी रहती है और लेकिन वो खुश नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि दोस्तों जो दूसरे वाले आदमी की लाइफ है वो अच्छी है। हमें लाइफ को एंजॉय करना है, संतुष्ट रहना है, तो संतुष्टि बहुत ज्यादा जरूरी है। और होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड रहें, खुश रहें, बाकी बहुत सारी चीजें ना मिले तो भी कोई गम नहीं लेकिन खुशी मिलना बहुत जरूरी है। हर चीज में खुशी ढूंढो तो दोस्तों आपकी जिंदगी सफल है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू वेरी मच।